Hello friend, this is Shailesh and welcome back to our channel code Library. If you're new to the channel, then please subscribe and press the bell icon so that you notified first when we upload our new videos. So without wasting any time, let's start our video. So today we are going to discuss the question: intersection of two sorted link list. So this is a very easy question, okay? So here it is given that given a two-link sort two link list. Which is shorted in increasing order, and we have to create a new represent new list representing the intersection of the two linked list. Okay, so we have given example here. The first linked list have the values one, two, three, four, six, and the second linked list have 4 values two, four, six, eight. So we can see the intersection means the common element between the two linked list. Okay, so basically we can see that two is common in both the linked list, four is common in both the linked list, and six is common in both the linked list. So our answer will be simply two, four, and six. Okay. करू तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका पहले मैं बता देता हूं आप को. So, इसका अप्रोच बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन क्या था वन टू थ्री फोर सिक्स तो मैं यहाँ बना दूंग्लिश वन टू थ्री फोर और सिक्स था ओके okay? अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था वन टू थ्री फोर था टू फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एंड एट ओके So, तो लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है टू कॉमन है हमारा फोर कॉमन है और सिक्स कॉमन है तो so, इसको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे so, जैसे मान लीजिए आपका स्टार्टिंग में पॉइंटर uh, इन दोनों के स्टार्टिंग ओके वन और टू को तो so, बेसिकली हमारा लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पर कि हम लोग चेक करेंगे अगर दोनों वैल्यू हमारा सेम है ओके सिंपली

अब क्या चेक करेंगे टू और ये टू को चेक करेंगे बेसिकली तो अगर इसको हम लोग मैंने बोला एल वन बोलता हूँ और उसका आई होता है अगर ये और दूसरा वाला जो लिंक लिस्ट है उसको एल टू बोलता हूँ और उसका अगर आई टेटर जे है मान लीजिए ओके okay. तो इस सर अगर बराबर देंगे अब क्या टू टू बराबर हो गया हमारा हाँ बराबर है तो एक न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग टू को डाल देंगे ओके okay? अब दोनों को आगे बढ़ा देंगे सिंपली तो ये फोर पे पॉइंट करने लगेगा ये थ्री को पॉइंट करने लगेगा अब थ्री फोर पे आओ देखो बराबर नहीं है अब छोटा कौन सा है यहाँ पर है थ्री तो सिर्फ थ्री को आगे बढ़ा दो आगे बढ़ा दिया थ्री को ओके अब फोर और फोर बराबर हो जाता है तो सिंपली जो न्यूली इंग्लिश हमारा आंसर है वहाँ पर इसको डाल दो बस अब दोनों को आगे बढ़ा देना यहाँ पर तो ये फोर वाले का आगे बढ़ाए सिक्स ये फोर का, का आगे बढ़ाएंगे सिक्स हो जाएगा अब फिर देख लेंगे दोनों बराबर हमारा है तो फिर इसको न्यूली इंग्लिश के आंसर पर डाल दो आराम से फिर दोनों को आगे बढ़ा दो तो ये तो यहाँ चला जाएगा बट ये अब नल को पॉइंट करने लगेगा ठीक है इसका तो बेसिकली आगे नल होता है ना तो हम लोग वाइल्यूब में यही रहेगा कि दोनों में से कोई भी अगर एक खत्म हो जाता है तो बस हमारा काम खत्म हो जाएगा कि उसके बाद तो हमें कोई कॉमन नहीं मिलने वाला है तो बेसिकली हम लोग से बाहर आ जाएंगे तो ये हमारा कंडीशन रहेगा कि अगर हमारा कोई भी एक आइट... मतलब बेसिकली कोई भी एक लिंक लिस्ट अगर पूरा एडेट हो जाता है तो काम खत्म हम लोग ब्रेक बाहर आ जाएंगे बस इतना सा काम और सिंपल सा क्वेश्चन है चलो तो चलते हैं कोड की तरफ तो आ गए अपन अपना कोड की तरफ ओके तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तो so, हमारा दिया हुआ हैड वन दिया हुआ हैड टू दिया बेसिकली टू लिंग्लिश का नोट्स दिया हुआ है ओके तो वाट विल डू वी हैव टेकन द टू पॉइंटर पी टी आर वन एज वन एंड नोट स्टार पी टी आर टू एज टू एंड हेड ऑफ द न्यू रिजल्ट विल रिटर्न एज अ रिजल्ट एंड द करेंट एज अ नल विच आई ट्रेड द रिजल्टेंट लिंग्लिश आई हैव डन पॉइंटर वन एंड पॉइंटर टू ओके तो वी कैन सी दैट हेयर अगर कोई भी दोनों में से खत्म हो जाता है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोग एंड लगा दिया है ओके सो वी कैन सी दैट इफ द पी टी आर वन डेटा इज दिव पी टी आर टू ऑफ डेटा ओके अगर दोनों बराबर हो जाता है तो आराम से हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग क्या करेंगे न्यूल इंग्लिश में डाल देंगे सिंपली हम लोग जो हमारा रिजल्टेंट होगा तुमने तो क्या चेक किया अगर हेड हमारा नल है ओके okay? अगर हेड हमारा नल है मतलब क्या हुआ जो हमारा नोड आ रहा है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है और उसको हम ऐड कर रहे हैं जो रिजल्ट है पे. तो फर्स्ट टाइम आ रहा है ओके तो हेड नल है उस समय तो so सिंपली मैंने क्या किया नोड स्टार्ट टी लिया उस पर न्यू नोट बनाया मैंने पॉइंटर वन का डेटा और सिंपली मैं क्या करूँगा हेड इज टू टी कर दूंगा तो जैसे इस एग्जाम्पल पे मैं क्या किया फर्स्ट टाइम तो नीचे चलता हूँ इसको पहले मिटाता हूँ एक बार ये वाले पाइट को ओके okay? और यहाँ पर एक है हेड ओके ये हेड है और बेसिकली मैंने क्या क्या टू जैसे में मुझे सेम मिला तो मैं टू को यहाँ डाल दिया ओके और हेड इसको पॉइंट करने लगा क्योंकि तो मैं डायरेक्टली हेड इज इक्वल्स टू ही टी कर दिया था और जो करंट था उसको भी इक्वल टी कर दूंगा बेसिकली ओके तो वो करेंट बी को पॉइंट करने लगेगा करंट ओके अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा बेसिकली अगर ये बराबर नहीं है हेड इक्स नल नहीं है मतलब क्या होगा कि और कोई दूसरा डेट नोट आया है और उसके पहले कोई और नोड्स आ चुका है जो कॉमन था दोनों में और वो रिजल्ट इंग्लिश में एड हो चुका है तो ये बाद में कोई नोड आ रहा है ओके तो क्या करेंगे उस समय हम लोग सिंपली एक नया नोट स्टार टी लिया इसमें नोट पीड, पौिंटर वन, पौिंटर वन डाल, बना दिया हम लोगों ने करेंट का नेक्स्ट पे टी डाल क्योंकि हम लोग करेंट को लिए था ना आइट्रेट करने के लिए का में हम लोग टी डाला तो नेक्स्ट टाइम कौन सा हमारा कॉमन था फोर कॉमन था फोर डाल दिया करेंट को करंट का नेक्स्ट यहाँ करंट आ गया हमारा ये सी हो जाएगा तो करंट को करंट का नेक्स्ट बढ़ा दिया हम लोगों ने ओके अब ये अगर ये जब खत्म हो जाता है तो हम लोग ऑफकोर्स दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा दोनों डेटा सेम हो गया तो दोनों को आगे इंक्रीज कर देंगे मैंने बताया था जैसे क्या मैंने बताया था जैसे बराबर है तो बराबर हो गया तब दोनों को बढ़ा देना आगे तो तो ये ये पॉइंट पॉइंट करेगा करने लगेगा सिंपली मैं क्या किया पॉइंटर वन नेक्स्ट और पॉइंटर पॉइंट इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट बस अब जब ये कंडीशन फॉल्स होता है ये वाला इफ अगर फॉल्स होता है हमारा तो अब नीचे जाएंगे कि हमारा कि दोनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो ऑफकोर्स कोई एक छोटा वैल्यू होगा कोई बड़ा वैल्यू होगा हमारा तो देखते हैं कौन छोटा है तो मैंने बोला छोटा को ही इंक्रीज करेंगे हम तो लोग अब आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटा को क्यों इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि तो बड़े को इंक्रीज करके क्या मीनिंग बनेगा हम लोग छोटे को इंक्रीज करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है ना जो इसका बड़ा वैल्यू था वो बराबर हो जाए जैसे ध्यान देखिए फोर को जब पॉइंट कर रहा था और ये थ्री को तो देखिए हम लोग थ्री को आगे बढ़ाए तो पॉसिबिलिटी था कि ये फोर के बराबर कोई डेटा मुझे मिल सकता है आगे इसमें तो छोटे वाले को आगे बढ़ाएंगे अगर फोर ही आगे हम बढ़ा देते आगे पे तो, तो कोई फायदा नहीं होता ना कि ये फिर ये आगे जब फोर पे आता तो ये फोर मिस हो जाता हमारा इसे छोटे वाले आगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग को बाद में कोई बड़ा वाला जो होगा वो मैच करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है ओके तो एस मतलब क्या हुआ कोई एक छोटा होगा तो वही चेक कर लिया मैंने सिंपली पॉइंटर वन का डेटा अगर छोटा है पॉइंटर टू का डेटा तो सिंपली पॉइंटर वन का डेटा को खाली पॉइंटर वन को सिर्फ बढ़ा दो आगे और अगर ई ए फॉल्स होता है तो मतलब पॉइंट टू का डेटा छोटा है तो उसी पॉइंट ए टू को बढ़ा दो आगे मतलब पॉइंट टू का टू पॉइंट टू का नेक्स्ट बस इतना करना है अब इसका क्या होगा वाइलुक खत्म हो जाएगा तो फाइनली हम लोग हम लोग का हेड जो था वो बेसिकली न्यू लिंक लिस्ट है जिसका हमारा हेड है तो वो बेसिकली हम लोग रिटर्न कर दिए ओके तो इसको बस फटाफट रिटर्न कर देते हैं तो तब आते हैं इसके टाइम और स्पेस के बारे में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका आप देखिए पहले देख लिया अभी सही हो गया पूरा परफेक्ट है सोल्यूशन है एकदम और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम क्योंकि मैक्सिमम वो या तो एन कंडिशन चलेगा या तो एम का डिस्टेंस चलेगा मतलब दो लिंक का मैं लेंथ का बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कौन सा होगा दोनों से कोई एक ही होगा इसलिए आंसर होगा ओ ऑफ एन प्लस एम और स्पेस भी वही लगेगा क्योंकि मैक्सिमम कुछ होता है ना कि पूरा पूरा लिंक लिस्ट ही बराबर हो गया हमारा जो कॉमन हो गया तो पूरे का बन जाएगा हमारा तो स्पेस ही हो गया ओ ऑफ एन प्लस एम क्योंकि हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ओके तो होपली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा सजेशन पर सही है अब जाके आप लोग सबमिट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तो तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनटिल दैन बाय